प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री और झोटवाड़ा विधायक लालचंद कटारिया पिछले 4 साल से अनवरत विकास कार्यों की सौगात जनता को दे रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में सड़क, बिजली एवं पानी की सुचारू व्यवस्था को लेकर अति गंभीर हैं। सभी वार्ड में लगातार सड़क निर्माण और पार्कों का सौंदर्यकरण हो रहा है। साथ ही जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है वहाँ पर JDA व नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देकर यह कार्य किया जा रहा है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये किंग्स रोड के साथ साथ पद्मावती कॉलोनी, ज्ञान विहार, अपने पारसनाथ कॉलोनी, शांति नगर, कस्तूरबा नगर, गौतम मार्ग, ये सभी भी इसी किंग्स रोड के साथ सारी रोडें चालू हो जाएगी। बहुत सुंदर। ये भी ये नहीं कि महीना दो महीने लगेंगे, ये 15 दिन में सारी रोडों का काम चालू हो जाएगा। भाई अशोक शर्मा जी जो हमारे PCC मेंबर हैं, राजू जी अग्रवाल जो पार्षद हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष मोहित जी, खेमचंद जी और स्थानीय जो सम्मानित नागरिक बंधुओं के साक्षी के अंदर ये काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के जो पार्षद हैं वो वाकई स्थानीय लोगों को साथ लेकर के विकास कार्यों में अपने भागीदारी निभाते हैं। सबसे पूछ करके काम को तय करके फिर काम को आगे गति देते हैं। साथियों, जयपुर शहर में कहीं भी अगर काम चल रहा है, वह सबसे ज़्यादा काम चल रहा है तो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। बीसलपुर, अशोक जी ने अभी बीसलपुर की लाइन की बात बताई, मैं बीसलपुर ही नहीं, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र विकासशील क्षेत्र है। यहाँ नवीनीकरण, विकास के अंदर बहुत से नवीनीकरण आए हैं। अभी कल ही वार्ड संख्या 46 में उद्घाटन किया रोड का, और स्टेडियम भी आ रहा है। और हमारे क्षेत्र में जैसे सेंट्रल पार्क है, उसी तर्ज पर हाथों जो भीड़ बाढ़ पीतावास में सेंट्रल पार्क के तहत ही, मतलब उसकी जैसा ही एक पार्क, बहुत बड़ा पार्क डेवलप होने जा रहा है शहरी क्षेत्र में। साथियों, सीवर लाइन का काम भी जो हमारे बहुत दिनों से अटका हुआ था पृथ्वीराज नगर में, उसका भी काम भाई लालचंद कटारिया जी जो हमारे विधायक हैं और क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके सानिध्य में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने पास किया और काम गति से चल रहा है। ऐसे बहुत से काम हैं। मैं तो भाजपा सरकार से ये पूछना, भाजपा की जो केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, 25 सांसद दिए उन्होंने, 25 काम हमारे